रुबीना खान बनी पुष्पा पाल। क्या नाम है आपका? रुबीना खान। आप क्या नाम रखा है आपने? पुष्पा। पति से तलाक के बाद प्रेमपाल से की शादी। फिर हमारे बीच झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। पहले पति का दोस्त था प्रेमपाल। ये इनके हस्बैंड जो थे इनसे मेरी जान पहचान थी और मैं उनके घर पे कभी आना जाना होता था मेरा। पति के दोस्त से हुई थी रुबीना को मोहब्बत। इनसे जब बात होती थी तो सारा कुछ बताते थे वो, और इसलिए मतलब हम दोनों ने ये फैसला लिया। इसी मोहब्बत के चक्कर में हुआ पति से तलाक। उनको डाउट था मुझ पे कि मैं किसी से बात करती हूँ, लेकिन पक्का श्योर नहीं थे वो। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि हाँ मैं किसी से बात करती हूँ, लेकिन बताया नहीं था कि मैं प्रेम से बात करती हूँ। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत जात पात और मजहब के दीवारों को नहीं मानती। रुबीना और प्रेमपाल की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये तस्वीरें रुबीना की शादी की हैं। रुबीना ने न सिर्फ अपने आशिक से शादी की बल्कि इस्लाम धर्म को छोड़ते हुए हिंदू धर्म अपना लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रुबीना और प्रेमपाल की पहली मुलाकात कहाँ हुई, दोनों को कब एक दूसरे से मोहब्बत हुई और आखिर कैसे ये मामला शादी और फिर धर्म परिवर्तन तक पहुंच गया। तो जनाब इस बात का पूरा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। इस खुलासे की तस्दीक भी खुद रुबीना ने ही की है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मजहब और रिश्तों के ताने बानों में उलझी ये कहानी रामपुर की रुबीना और बरेली के प्रेमपाल की है। रामपुर की रहने वाली रुबीना की शादी 9 साल पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुएब से हुई थी। शुएब और रुबीना के 3 बच्चे भी हैं। शुएब और रुबीना के नए पति प्रेमपाल आपस में दोस्त थे। प्रेमपाल अक्सर शुएब से मिलने के लिए घर जाया करता था। बस यहीं से प्रेमपाल और रुबीना के बीच बातचीत शुरू हो गई और दोनों के बीच मोहब्बत का बीज पड़ गया। रुबीना और प्रेमपाल छिप छिप कर फोन पर बात करने लगे। उधर दूसरी तरफ रुबीना के पति शुएब को पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा और एक दिन रुबीना ने शुएब को बता दिया कि वो किसी गैर मर्द से बात करती है। बस यहीं से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और दूरियां बढ़ने लगी। वो हमेशा मुझ पे शक करते थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ड्रिंक करते थे हर रोज़ और अपनी मर्जी चलाते थे। उनको डाउट था मुझ पे कि मैं किसी से बात करती हूँ, लेकिन पक्का श्योर नहीं थे वो। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि हाँ मैं किसी से बात करती हूँ, लेकिन बताया नहीं था कि मैं प्रेम से बात करती हूँ। फिर हमारे बीच झगड़ा हुआ। कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष किसी भी दूसरी महिला या पुरुष से रिश्ता रखे तो उसे दुनिया और कानून की नजर में नाजायज माना जाता है। यहाँ भी रुबीना और प्रेमपाल का नाजायज रिश्ता परवान चढ़ रहा था और दूसरी तरफ रुबीना और उसके शौहर शुएब के बीच विवाद बढ़ता चला गया। फिर हमारे बीच झगड़ा हुआ। फिर पति ने क्या किया? फिर उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। किस तरीके से तलाक दी? बोल के दिया? 3 बार तलाक दिया? क्या दिया, कैसे दिया? जी हाँ, बोल के दिया 3 बार। रुबीना की माने तो एक दिन शराब के नशे में झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि शुएब ने उसे 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद वो हल्द्वानी से अपने मायके रामपुर आ गई और फिर उसने अपने आशिक प्रेमपाल से शादी कर ली। ये इनके हस्बैंड जो थे इनसे मेरी जान पहचान थी और मैं उनके घर पे कभी आना जाना होता था मेरा, और जो है ये इनसे बाद में मेरा मतलब जो है जो भी है बात करना स्टार्ट हो गया था। और बात करते करते वो लोग इतना परेशान करते थे इन्हें, इन्हें मारते थे वो और नशा पत्ता करते थे अपने वो, और ये परेशान थे बहुत। इन्होंने बताया होगा? इनसे जब बात होती थी तो सारा कुछ बताते थे वो, और इसलिए मतलब हम दोनों ने ये फैसला लिया कि हम शादी करें। रुबीना खान और उसके प्रेमी प्रेमपाल ने बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मणिनाथ में मौजूद अगस्त मुनि आश्रम में शादी कर ली और इसी के साथ रुबीना खान पुष्पा पाल बन गई। इन दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की है। हाँ, ये वही अपना जो तलाक उलाक के बारे में बोलते हैं ना, तलाक तलाक हुई वो तो कई एक बार कह चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों रुकी। बस अब तो शादी हो गई, मैं बस अपनी लाइफ में
ही नहीं रखना चाहते। क्या वो धमकी उनकी दे रहे हैं जान से मारने की, कैसे कह रहे हैं? हाँ, उनका फ़ोन आया था इनके पास, तो वो कह रहे थे कि कहीं भी होगी तो तुझे ढूंढ के मार दूंगा। पंडित जी ने मंडप पर बैठा कर दोनों के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए और प्रेम ने रुबीना की मांग को सिंदूर से भर कर अपना बना लिया। बस यही थी रुबीना और प्रेमपाल की प्रेम कहानी और रुबीना के पुष्पा बनने की सारी हकीकत। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और बरेली से सनी गोस्वामी के साथ रामपुर से शाबाज खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।